आइए बच्चों, आज हम लोग सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो नियम है वह हमें मालूम होना चाहिए। इन प्रश्नों को हल करने का नियम है, प्रश्न में सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाने को हल करना होता है। हमारा हल करने का यही क्रम हर प्रश्न में लागू होता है। आइए हम लोग एक प्रश्न देखें। 10 भाग 2 गुणे 3 प्लस 4 ऋण 2। इस प्रकार यह प्रश्न हमें हल करना है और हल करके हमें इसका मान निकालना है। आइए सबसे पहले जो नियम था हमारा हल करने का, उसमें हमें भाग को हल करना है। तो दिए गए प्रश्न में हमें ये देखना है कि कहीं भाग का चिन्ह तो नहीं है। अब हमने देखा कि 10 और 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें यही हल करना है। 10 भाग 2 का मतलब है 2 का भाग हमें 10 में करना है। 2 का भाग अगर 10 में करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 आएगा। अब यहाँ से गुणे 3 प्लस 4 और ऋण 2, इनको ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद देखें हमें क्या हल करना है, गुणा। अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें कहीं गुणे का निशान तो नहीं है। हाँ, 5 और 3 के बीच में गुणे का निशान है, तो हमें पहले यही हल करना है। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, इसका मतलब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 तिया 15 प्लस 4 ऋण 2। अब हमने गुणा भी हल कर लिया। इसके बाद नंबर आता है जोड़। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में जोड़ का निशान है। तो 15 और 4 के बीच में जोड़ का निशान है, तो 15 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 और ऋण 2। अंत में हमें घटाने को हल करना है, तो 19 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। इस तरह से इस उपरोक्त प्रश्न का उत्तर आएगा 17।